इस वीडियो में हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले सालों के नीट के एग्जाम में आए हुए हैं एंड इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोकोनट फ्रूट इज ए, कोकोनट फ्रूट होता है बेरी, नट, कैप्सूल या फिर ड्रूप। तो राइट आंसर है ड्रूप। कोकोनट फ्रूट एक तरह का ड्रूप फ्रूट होता है। इन बोगेनविला थ्रॉम्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगेनविला में पाए जाने वाले कांटे किसका रूपांतरण होते हैं, एडवेंटिशियस रूट, स्टेम, लीफ या फिर स्टिप्यूल्स। तो राइट आंसर है बी, स्टेम। बोगेनविला में पाए जाने वाले कांटे स्टेम यानी कि तने का रूपांतरण होते हैं। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का खाए जाने वाला पार्ट का मॉर्फोलॉजिकल नेचर होता है कोटलीडन, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प या फिर पेरिस्पर्म। तो सही आंसर है बी, एंडोस्पर्म। द टर्म पोलियोएडल्फस इज रिलेटेड टू, टर्म पोलियोएडल्फस किससे रिलेटेड है, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला या फिर कैलेक्स। तो सही आंसर है बी, एंड्रोशियम। पोलियोएडल्फस का मींस होता है स्टेमंस का आपस में जुड़ जाना। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस। हाउ मैनी प्लांट्स अमंग इंडिगोफेरा, सस्बानिया, साल्विया, एलियम, एलोए, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिस, ग्राम एंड टर्निप हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ्स इन देयर फ्लावर्स, इनमें से कितने प्लांट्स के फ्लावर में अलग अलग लंबाई के स्टेमंस पाए जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि इनमें से साल्विया, मस्टर्ड, रेडिस एंड टर्निप में डिफरेंट लेंथ के स्टेमंस पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है 4। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, इनमें से किसके फ्लावर में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो सही आंसर है ए, ब्रेसिका। ब्रेसिका के फ्लावर में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि ट्रायोफिलम, पाइसम एंड केसिया इन तीनों के फ्लावर्स में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, इनमें से किसमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, डायंथस, आर्जिमोन, ब्रिसिका या फिर सिट्रस। तो सही आंसर है ए, डायंथस में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, जबकि आर्जिमोन एंड ब्रिसिका में पेराइटल प्लेसेंटेशन एंड सिट्रस में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन एक स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है या फिर तने का रूपांतरण नहीं है, टेंड्रिल्स ऑफ कुकम्बर, फ्लेटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपंचिया, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस या फिर थ्रॉन्स ऑफ सिट्रस। तो सही आंसर है सी, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, जो कि तने का रूपांतरण नहीं है, ये लीफ यानी कि पत्ती का रूपांतरण होता है। स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव आर नोन एज, जब तना चपटे ग्रीन ऑर्गन में बदल जाए और पत्ती की तरह काम करे तो उसे क्या कहते हैं, फाइलोक्लेट्स, स्केल्स, क्लेरोडेस या फिर फाइलोडेस। तो सही आंसर है ए, फाइलोक्लेट्स उसे कहा जाता है। कोटलीडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, मेज के कोटलीडन को क्या कहते हैं, कोलेप्टाइल, स्कुटलम, प्लूम्यूल या फिर कोलेराइजा। तो सही आंसर है बी, स्कुटलम। मेज के कोटलीडन को स्कुटलम कहते हैं। ट्राइकार्पली सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ, फेवेसी, पोएसी, लिलियेसी या फिर सोलेनेसी। तो सही आंसर है सी, लिलियेसी। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अ पेप्लिनोसी कोरोला इज आल्सो कॉल्ड, वैक्सिलम, कोरोना, कैरिना या फिर पेपस। तो सही आंसर है ए, वैक्सिलम। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज सील्ड शेप्ड कोटलीडन नोन एज, गेहूं के एम्ब्रियो में एक लार्ज सील्ड शेप्ड कोटलीडन पाया जाता है जिसे कहते हैं स्कुटलम, कोलेप्टाइल, एपिब्लास्ट या फिर कोलियोराइजा। तो इसका सही आंसर है ए,
स्कुटलम, जिसका काम एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्राजील पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, ओनियन एंड ट्यूलिप, हाउ मैनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी, यानी कि इनमें से कितने प्लांट्स में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो देख लेते हैं, इनमें से गुआवा, कुकुम्बर में इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, जबकि बाकी सभी में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। यानी कि इसके अलावा चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्राजील पोटैटो, अनियन एंड ट्यूलिप में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा D, 6। एग्जाइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें एग्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, P, आर्जिमन, डायंथस या फिर लेमन। तो सही आंसर है D, लेमन में एग्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, जड़ें पानी के एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्प नहीं करती किसमें, P, वीट, सनफ्लावर या फिर पिस्टिया। तो इसका राइट आंसर है पिस्टिया, क्योंकि यह एक एक्वेटिक प्लांट है और एक्वेटिक प्लांट्स की जड़ें कम विकसित होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है पिस्टिया। इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ, तो यहाँ पे हमें एक फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है ये किसका है, पेटूनिया, ब्रेसिका, एलियम या फिर सेस्पानिया। तो ये दिया हुआ फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी फैमिली का है, जिसके अंतर्गत पेटूनिया को रखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पेटूनिया। इसके अलावा एलियम लिलियसी फैमिली का मेंबर है, सेस्बानिया लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर है, एंड ब्रेसिका क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है। पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, पेरीगाइनस फ्लावर्स पाए जाते हैं, चाइना रोज, रोज, गुआवा या फिर कुकुम्बर। तो इसका राइट आंसर है B, रोज। इसमें हाफ इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, इसके एग्जाम्पल है PPR, यानी कि प्लूम, पीच एंड रोज, इसलिए इसका राइट आंसर होगा B, रोज। कील इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ, कील किसके फ्लावर का करेक्टरिस्टिक फीचर है, एलोए, टोमेटो, ट्यूलिप या फिर इंडिगो फेरा। तो इसका राइट आंसर है D, इंडिगो फेरा, जो कि पेपलिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है, एंड कील पेपलिनोसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस इन, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं किसमें, अनियन, सिल्क कॉटन, ओपुंटिया या फिर पी। तो राइट आंसर है C, ओपुंटिया, क्योंकि ट्रांसपायरेशन द्वारा होने वाले वाटर लॉस को रोकने के लिए ओपुंटिया की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिससे पानी का कम लॉस होता है। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, यानी कि इनमें से किसमें प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प दोनों ही खाए जाते हैं, एप्पल, बनाना, टमाटो या फिर पोटैटो। तो सही आंसर है C, टमाटो, टमाटो में प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प दोनों ही खाए जाते हैं और इसमें एग्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, द कंडीशन इज टमेस, जब सेपल्स और पेटल्स के मार्जिन्स एक दूसरे के ऊपर बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप हो जाए तो इस टर्म को क्या कहते हैं, वैक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड या फिर वॉल्वेट। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं केसिया एंड गुलमोहर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट है द सीड इज ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत दिया है, क्योंकि ग्रासेस के सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। बी स्टेटमेंट मैंगो इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये भी गलत है, क्योंकि मैंगो एक सीडेड फ्रूट है, ना कि पार्थिनोकार्पिक। सी स्टेटमेंट अ प्रोटीनेसियस एल्योरल लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, ये स्टेटमेंट इसका सही है। एंड लास्ट है अस्ट्राइल पिस्टिल इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड, ये भी गलत है, क्योंकि इसे
पिस्टली लोड कहते हैं, ना कि स्टेमिनोड, पिस्टली लोड। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, इनमें से खाने योग्य अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो। तो राइट आंसर है डी, पोटैटो। पोटैटो एक अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम है जिसे हम खा सकते हैं। इसके अलावा कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, ये दोनों अंडरग्राउंड रूट हैं, जबकि ग्राउंडनट एक सीड है। अमंग बिटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सन हेम्प, ग्राम, ग्वावा, बीन, चिली, प्लूम, पेटोनिया, टोमेटो, रोज, विथानिया, पोटैटो, ओनियन, अलोए एंड ट्यूलिप, हाउ मैनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर, इनमें से कितने प्लांट्स में हाइपोगाइनस फ्लावर पाया जाता है। देखिए, इनमें से बिटर गार्ड, कुकुम्बर एंड ग्वावा, इन तीनों में इपीगाइनस फ्लावर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा रोज, जिसमें कि पेरीगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं। इसके अलावा जितने बचे हैं सभी में हाइपोगाइनस फ्लावर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 15। इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज के फ्लावर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इनमें पाया जाता है। अमंग फ्लावर्स ऑफ कैलोट्रॉपिक्स, ट्यूलिप, ससबानिया, एस्पेरागस, कॉल्चिकम, स्वीट पी, पेटूनिया, इंडिकोफेरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, टोबैको एंड ग्राउंडनट, हाउ मैनी प्लांट्स हैव कोरोला विद वॉल वेट एस्टिवेशन, इनमें से कितने प्लांट्स में वॉल वेट एस्टिवेशन पाया जाता है और उनमें कोरोला पाया जाता है। तो देख लेते हैं, इनमें से कैलोट्रॉपिक्स, ट्यूलिप, एस्पेरागस, कॉल्चिकम, पेटूनिया, मस्टर्ड एंड टोबैको, इन सभी में वॉल वेट एस्टिवेशन पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोस इन, इनमें से किसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ब्रिंजल, ट्यूलिप, एलोए या फिर सोयाबीन। तो राइट आंसर है डी, सोयाबीन में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इन अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सेस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सेस हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, बियर्स अ सोलिटरी फ्लावर, हैज अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांचेस एंड इन फ्लावर्स या फिर टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो उसका राइट आंसर है डी, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि इसमें एक फ्लावर टर्मिनेट हो जाता है। हाउ मैनी प्लांट्स अमंग चाइना रोज, ओसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, अल्टसोनिया, ग्वावा, कैलोट्रॉपिक्स एंड नेरियम हैव अपोजिट फाइलोटैक्सी, इनमें से कितने प्लांट्स में अपोजिट फाइलोटैक्सी पाई जाती है। तो राइट आंसर है ए, 3, यानी कि इनमें से ओसिमम, ग्वावा एंड कैलोट्रॉपिक्स में अपोजिट फाइलोटैक्सी पाई जाती है। प्लेसेंटेशन इन टमाटो एंड लेमन इज, टमाटो एंड लेमन में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है डी, एक्साइल। टमाटो एंड लेमन में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसके अलावा पैरेटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में पाया जाता है, जबकि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डायंथस एंड प्रिमरोज में पाया जाता है, एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में पाया जाता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, सोलेनम, ससबानिया, ट्रिफोलिनम या ब्रेसिका।
तो राइट आंसर है ए, सोलेनम में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फाइलोट इज प्रेजेंट इन, इनमें से किस में फाइलोट पाया जाता है? एस्पेरागस, यूफोर्बिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया या फिर ओपनचिया। तो राइट आंसर है सी, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्रीफिस्टल्स इन फ्लावर्स ऑफ, इनमें से किसके फ्लावर के गाइनोसियम में फ्री पिस्टिल पाए जाते हैं? एलोए, टमेटो, पेपावर या फिर माइकेलिया। तो राइट आंसर है डी, माइकेलिया। हाउ मैनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट्स डेट डेवलप फ्रॉम एन इनफ्लोरोसेंस? वॉलनट, पॉपी, रेडिस, फेक, पाइनएप्पल, एप्पल, टमाटो, मलबेरी। यानी कि इनमें से कितने कंपोजिट फ्रूट हैं जो कि इनफ्लोरोसेंस से बनते हैं? इसका राइट आंसर है थ्री, यानी कि इनमें से पाइनएप्पल, मलबेरी एंड फिग कंपोजिट फ्रूट हैं जो कि इनफ्लोरोसेंस से बनते हैं। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, कोकोनट वाटर और कोकोनट का खाए जाने वाला भाग किसके समान होता है? एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, मेसोकार्प या फिर एम्ब्रियो। तो सही आंसर है ए, एंडोस्पर्म। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज करैक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली, वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस फैमिली का करैक्टरिस्टिक फीचर है? फेवेसी, एस्ट्रेसी, सोलेनेसी या फिर ब्रेसिएसी। राइट आंसर है ए, फेवेसी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन फेवेसी फैमिली का करैक्टरिस्टिक फीचर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विद इट्स थ्री करैक्टर्स? तो राइट आंसर है सी, अनियन, बल्ब, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एग्जाइल, प्लेसेंटेशन। यानी कि ऑनियन बल्ब होता है और उसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है एंड इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो ये तीनों करैक्टर इससे मैच करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है सी। हाउ मैनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इनमें से कितने प्लांट्स में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि इनमें से छह प्लांट्स में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है जो कि है ग्राम, अरहर, सन हेम्प, मूंग, पी एंड ल्यूपिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन टमेटो, फ्रूट इज ए कैप्सूल, सीड ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, प्लेसेंटेशन इन प्रिमरोज इज बेसल, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज ए मॉडिफाइड सूट। तो राइट आंसर है डी, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज मॉडिफाइड सूट। ट्यूलिप में पाया जाने वाला फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है। द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ चिली इज, चिली का सही फ्लोरल फॉर्मूला है? तो चिली सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है जिसमें बाईसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं और इसमें एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री पाई जाती है। इसका राइट आंसर है बी, तो आपको ध्यान रखना है ये सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, इनमें से किसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं? मस्टर्ड, गुलमोहर, टोमेटो एंड धतूरा। तो इसका राइट आंसर है बी, गुलमोहर में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड, टोमेटो एंड धतूरा में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं। द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन फ्लावर्स ऑफ, इनमें से किस फ्लावर में हाफ इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है? पीच, कुकुम्बर, कॉटन या फिर ग्वावा। तो इस तरह की ओवरी को पेरिगाइनस ओवरी भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है पी पी आर, यानी कि प्लूम, पीच एंड रोज। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पीच। ए ड्रूप डेवलप्स इन, ड्रूप किसमें डेवलप होता है? मैंगो, वीट, पी या फिर टमाटो।
तो इसका आंसर आप जानते होंगे, मैंगो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच वाइल द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी मैचिंग गलत दी है हमें देखना है, तो देख लेते हैं। पहला है पेनिसिलियन कोनिडा, ये सही है। वाटर हायंथ रनर, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि रनर का एग्जाम्पल है दूब ग्रास एंड ऑक्सेलिस, ना कि वाटर हायंथ, जबकि वाटर हायंथ ऑफसेट का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका राइट आंसर है बी जो कि गलत दिया हुआ है। बाकी ए सी एंड डी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन इन डायंथस। इनमें से किस फिगर में डायंथस का प्लेसेंटेशन दिखाया गया है, तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि डायंथस में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसके अलावा प्रिमरोज में भी, प्रिमरोज एंड डायंथस इसके दो एग्जाम्पल हैं जिनमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्ड सिंपल लिप्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। कैलोट्रोपिक्स, नीम, चाइना रोज या फिर अल्टसोनिया। तो इसका राइट आंसर है डी अल्टसोनिया, क्योंकि अल्टसोनिया में एक ही नोट से पांच या फिर पांच से ज़्यादा लीप्स निकलती हैं, इसलिए ये होल्ड फाइलोटैक्सी को शो करता है। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। स्वीट पोटैटो किसके होमोलोगस होता है, पोटैटो, कोलोकेशिया, जिंजर या फिर टर्निप। तो इसका राइट आंसर होगा डी टर्निप, क्योंकि दोनों ही रूट है लेकिन डिफरेंट फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाती है। इन यूनिलोकर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल, बेसल, फ्री सेंट्रल या फिर एक्साइल। तो राइट आंसर होगा बी बेसल। इस तरह के प्लेसेंटेशन कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर्स ऑफ। कील किसके फ्लावर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, गुलमोहर, केसिया, कैलोट्रोपिक्स या फिर बीन। तो राइट आंसर है डी बीन, जो कि पेपरिनोसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन द फ्लावर्स ऑफ। इनमें से किसके फ्लावर्स में हाफ इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। इसके लिए आपको याद रखना है PPR, यानी कि प्लूम, पीच एंड रोज। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्लूम। तो इन तीनों में हाफ इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, जिसे कि पेरीगाइनस ओवरी भी कहा जाता है। द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोसियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज इज। चाइना रोज के फ्लावर में पाए जाने वाले एंड्रोसियम के लिए क्या टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पोलियंड्रस या फिर पोलीएडल्फस। तो राइट आंसर होगा ए मोनोएडल्फस टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरोफाइटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट ग्रीन एंड सुकुलेंट स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा एक जीरोफाइटिक प्लांट है जिसमें तना चपटी पत्ती में रूपांतरित हो जाता है, ओपुंटिया, कैसोरीना, हाइड्रिला या फिर अकेसिया। तो राइट आंसर है ए ओपुंटिया। एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली सोन इन। कॉटन के फ्लावर में पाए जाने वाले पेटल्स का सही एस्टिवेशन है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन है जो कि कॉटन, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर में पाया जाता है। द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोयाबीन इज। सोयाबीन का सही फ्लोरल फॉर्मूला होता है, तो देखिए सोयाबीन फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, जो कि फेबेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है। द फ्लोरल फॉर्मूला इज दैट ऑफ। तो ये दिया हुआ फ्लोरल फॉर्मूला किसका है, सोयाबीन, सन हैंप, टोबैको या फिर ट्यूलिप। तो देखिए ये
सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है जिससे कि टोबैको बिलोंग करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम हाइपेंथोडियम इनफ्लोरोसेंस इज कॉल्ड। हाइपेंथोडियम इनफ्लोरोसेंस से बनने वाले फ्रूट को क्या कहते हैं, सोरोसिस, साइकोनस, कैरियोप्सिस या फिर हेस्पेरिडियम? तो राइट आंसर होगा बी, साइकोनस। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन इज डायंथस, लेमन, मैरीगोल्ड एंड आर्जिमोन। तो देखिए इसके दो आंसर होंगे लेमन एंड मैरीगोल्ड, क्योंकि इन दोनों में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। कॉटलिडंस एंड टेस्टा रेस्पेक्टली आर एडिबल पार्ट्स इन, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कॉटलिडंस और टेस्टा को इनमें से किस किस में खा जाता है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वॉलनट एंड टैमरिंड, फ्रेंच बीन, कोकोनट, कैसूनट, लीची, ग्राउंडनट, पोमग्रेनेट। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि कॉटलिडंस को ग्राउंडनट में खाया जाता है एंड टेस्टा को पोमग्रेनेट में खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कारंकल इज, यानी कि हमसे पूछा गया है कि इनमें ऐसा कौन सा सीड है जिसमें कि एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कारंकल तीनों पाए जाते हैं, कॉफी, लीली, कैस्टर या फिर कॉटन। तो इसका राइट आंसर है सी, कैस्टर के सीड में एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कारंकल तीनों ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्लैसी रिसेप्टल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग एनक्लोसेस अ नंबर ऑफ बेरीज, मेरिकॉप्स, एक्नेस या फिर समारास। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा सी, एक्नेस। ड्राई इंडहिसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म फ्रॉम बाइकार्पलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी इज बेरी, क्रीमोकार्प, कैरियोप्सिस या फिर सिप्सेला। तो राइट आंसर इसका है डी, सिप्सेला। रैपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ, हमसे पूछा गया है कि किसके फ्लावर की ओवरी में रैपलम पाया जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं सनफ्लावर, पी, लेमन एंड मस्टर्ड। तो इसका राइट आंसर है मस्टर्ड, मस्टर्ड के फ्लावर की ओवरी में रैपलम पाया जाता है और रैपलम एक फॉल्स सेप्टम होता है। द फ्रूट इज चैम्बर्ड डेवलप्ड फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी एंड हैज सीड विथ सुकुलेंट टेस्टा इन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके चैम्बर, जिसमें चैम्बर पाए जाते हैं, इन्फीरियर ओवरी से बनता है एंड उसके सीड में सुकुलेंट टेस्टा पा जाता है। तो देख लेते हैं, ग्वावा, कुकुम्बर, पोमग्रेनेट या फिर ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर है सी, पोमग्रेनेट, क्योंकि इसमें चैम्बर भी पाए जाते हैं और इसमें सुकुलेंट टेस्टा भी पाया जाता है इसकी ओवरी में। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, यानी कि एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को ख़त्म कर देता है किस में, पी, मेज, कोकोनट या फिर कैस्टर। राइट आंसर है पी, या फिर मटर में एंडोस्पर्म ख़त्म हो जाता है एम्ब्रियो द्वारा। Which of the following is a flowering plant with nodules containing filamentous nitrogen fixing microorganism? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा flowering plant है जिसके nodules में nitrogen fixing microorganism पाया जाता है? तो इसका right answer है D, Casuarina equistifolia। इसकी roots में Frankia, FRANKIA, फ्रेंकिया पाया जाता है जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पेंटामेरस एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स बाइकार्पलरी ओवरी विद ओब्लिक सेप्टा एंड फ्रूट कैप्सूल और बेरी आर करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, यानी कि ये सभी फीचर्स किस फैमिली के हैं, लेलिएसी, एस्ट्रेसी, ब्रेसिएसी या फिर सोलेनेसी। तो अब हमें देखना है कि ये सभी फीचर किस फैमिली के हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, सोलेनेसी।
तो आप साथ साथ में अपना क्वेश्चन गैस भी कर सकते हैं, जिसकी आप जैसे आपको रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनएप्पल या फिर अनानास फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, पाइनएप्पल किससे डेवलप होता है? इसका सही आंसर है डी, अ क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉर्नी फ्लावर्स ऑन अ कॉमन एक्सेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स द एडिबल पार्ट इज द एरिल, इनमें से किस फ्रूट में खाने योग्य पार्ट एरिल होता है? लीची, कस्टर्ड एप्पल, पोमग्रेनेट या फिर ऑरेंज। तो राइट आंसर इसका ए, लीची। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ अ यंग कॉब ऑफ मेज आर, मक्का से निकलने वाले लंबे फिलामेंट होते हैं उसके, हेयर्स, एंथर्स, स्टाइल्स या फिर ओवरीज। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है एंड नीट में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है स्टाइल्स। जो हम देखते हैं मक्का से निकलने वाले लंबे लंबे धागे, वो उसके स्टाइल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची, इनमें से लीची में कौन सा पार्ट खाया जाता है? मीसोकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प या फिर जूसी एरिल। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है जूसी एरिल, हम लीची में खाते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इस, मैंगो में खाने योग्य पार्ट होता है एंडोकार्प, रिसेप्टिकल, एपिकार्प या फिर मीसोकार्प। तो राइट आंसर है डी, मीसोकार्प। मैंगो में हम मीसोकार्प खाते हैं। जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द लेमन फ्रूट डेवलप फ्रॉम, लेमन में पाए जाने वाले रसीले रेसे कहाँ से निकलते हैं? एक्सोकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प या फिर मीसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो इसका राइट आंसर है सी, एंडोकार्प से। ज्योग्राफिक फ्रूट इज, ज्योग्राफिक फ्रूट होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे भी आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफिक फ्रूट होता है पोटैटो, पीनट, अनियन या फिर गार्लिक। तो इसका राइट आंसर है बी, पीनट। पीनट एक ज्योग्राफिक फ्रूट है। एडिबल पार्ट इन मैंगो इज, मैंगो में खाने योग्य पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मीसोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प या फिर एपिडर्मिस। राइट आंसर है ए, मीसोकार्प। मैंगो में हम मीसोकार्प खाते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। बाइकार्पलरी गाइनोसियम एंड ऑब्लिक ओवरी अकर्स इन, यानी कि बाइकार्पलरी गाइनोसियम एंड ऑब्लिक ओवरी इनमें से किस में पाई जाती है? मस्टर्ड, बनाना, पायसम या फिर ब्रिंजल। तो इसका राइट आंसर है डी, ब्रिंजल, जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राडाइनेमस कंडीशन अकर्स इन, इनमें से किस में टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है? क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी या फिर लिलियसी। तो इसका राइट आंसर है ए, क्रूसीफेरी, जिसमें 6 स्टेमंस पाए जाते हैं, जिनमें से 4 लंबे एंड 2 छोटे होते हैं। ये कंडीशन केवल क्रूसीफेरी फैमिली में ही पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि 4 लंबे स्टेमन और 2 छोटे स्टेमन किस में पाए जाते हैं, तो क्रूसीफेरी आंसर होगा। और 6 स्टेमन भी किस में पाए जाते हैं, इसका भी आंसर क्रूसीफेरी होगा।